लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो भाभी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाय मीनाक्षी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी। भैया घर पर नहीं है क्या? फ्लाइट में है, वो आपके पास ही आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा अचानक आ रहे हैं? आपको तो पता है ना, उनको घूमना पसंद है। कब से कह रहे थे कि मुझे यूरोप जाना है, इसी वजह से आपके पास आ रहे हैं। जय को कहकर जरा 4 दिन यूरोप घुमा देना भाभी उनको। बिना बताए ऐसे कोई आता है क्या? मेरे खुद के प्रोग्राम से प्रायोरिटीज है। कौन से प्रोग्राम से प्रायोरिटीज है? करेक्ट गेम्स। तुम तो जानते हो ना कि भैया का मन बच्चों जैसा है और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उन्हें संभाल लेना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। देख लिया ना कैसी सजा मिली, मुझे उल्लू बनाया। मुझे उल्लू बनाने वाले को यही सजा मिलती है। मजा आया, गेम गेम। मीरा यहाँ रहेगी 5 days, मामा जी भी रहेंगे 5 days, अब कैसे होगा? ऐसे होगा। कहाँ मिलेगी? हेलो जय बोल रहा हूँ, पहचाना क्या? कौन जय? कौन सा जय? उस दिन म्यूजियम में फोटो ली थी ना। तुम? Yep. अबे गोचू गधे, तेरे फोन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। वो लड़की कहाँ है? मेरे घर में। तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अरे बताना यार, वो लड़की मेरे साथ है, बॉस को बता चुका हूँ। 5 तारीख को वो लड़की को फ्लाइट में नहीं भेजूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। तुम्हारा जॉब तुम्हें चाहिए तो एक ब्यूटीफुल आइडिया बताता हूँ, उसे करोगे? क्या है वो? आज इंडिया से मेरे मामा जी आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करके 4 दिन के लिए घुमाना है। मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। तो उस लड़की के बारे में भूल जाओ। 1 मिनट, स्पेन में मैं ही बेवकूफ। भाई जय, अंकल का नाम क्या है? मामा जी की जगह ऐसी साली आती तो मजा आ जाता। एक्सक्यूज मी, जय ने आपको भेजा है? हाँ मुझे ही भेजा है उसने। या आई एम कीर्ति। आई एम शानू। आई एम वोडका प्रसाद। आप वोडका कंपनी में काम करते हो? सर सिर्फ वोडका पीते हैं। ओह, जय ने सब कुछ बता दिया है ना? हाँ, आपके पास से नंबर लेकर उसे फोन करना है। नंबर दीजिए ना प्लीज। जय को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वो नंबर किसी को नहीं बताएगा। मेरे सारे प्रोग्राम्स कीर्ति तय करती है। वो सब तय करती है तो उससे मुझे क्या लेना देना? कीर्ति सर, नोट दिस पॉइंट, जय बाबू को बताना है। यस सर। जोक मारा था सर? सर जोक्स पे नहीं हंसते। क्यों? हाथ पैर के साथ मुंह को भी लकवा मारा है। ए, क्या बोल रहे हो तुम? सेंस नहीं है क्या? सर कौन है पता है तुम्हें? कीर्ति, शानू मुझे पसंद है, नेचर अच्छा लग रहा है, इनोसेंट है। प्रोग्राम्स बता दो। तुम 6 बजे उठकर सर को 8 बजे उठाना। उठकर क्या करना पड़ेगा? वो तुम्हें खुद सर ही बताएंगे। 8:15 को पेपर पढ़ के सुनाना है। 8:30 को बाथरूम जाते हैं। 10:30 बाहर आते हैं। बाथरूम जाते हैं या मीटिंग में? लिसन, 10:30 को ब्रेकफास्ट, मुझे खाना पड़ेगा, सर को खिलाना पड़ेगा, और 11 बजे आउटिंग के लिए। जैसे कुत्ते के पिल्ले को घुमाते वैसे? कीर्ति ये भी नोट कर लो, जय बाबू को बता देंगे। ओके सर। वैसे पैर कैसे गए? एक दिन अपने दोस्त के साथ अर्ली स्टार्ट करके लेट फिनिश किया था। नशे में गाड़ी एक लॉरी से टकरा गई और ऐसी हालत हो गई। मैं एक रेसर, ये एक ड्रंकर, पैर के साथ साथ ये भी ज्यादा तो अच्छा होता। मैंने सुन लिया। वो बात नहीं है, पैर नहीं है फिर भी ऐसे फॉरेन में घूमना जरूरी है क्या? इस दुनिया में मुझ जैसे बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें देख कर मोटिवेट होता हूँ। शानू से छोड़ना मत। किसे ना छोड़? उस उंगली दिखाने वाले को, स्टूपिड रास्कल, उस बंदर को मुझे जवाब देना है। गाड़ी तेज चलाओ, और तेज तेज चलाओ। क्या कर रहे हो? चलाता हूं। और तेज, और। अरे ऐसे चिल्लाओ मत, मुझे डर लगता है। आज अगर मेरा दोस्त कुची कुची होता तो उसे सबक सिखा कर ही रहता। चलाओ तेज, चलाओ तेज, चलाओ तेज तो है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, गियर बदलो, एक्सेलरेटर दबाओ, ब्रेक करो, ब्रेक करो, और तेज तेज, और तेज, और दबाओ, ब्रेक करो, ब्रेक करो। एक्सीलरेटर छोड़ने के लिए कहा था, स्टेरिंग नहीं। चानू, मेरे मामा जी कैसे हैं? मेरे सांस निकाल दे वैसे। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर उनका ख्याल रखना, वो मेरे दिल के करीब हैं। उनका ख्याल रखूंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? जय बाबू मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। शानू, शानू, और डालो। हाँ।
थोड़ा और और बस बस करो, और कितना डालोगे? जय को फोन करूं क्या? चखना कौन खिलाएगा? हाँ खिला रहा हूँ। तो खिलाओ। जानू जानू जानू। अरे अब क्या पिलाऊं, खाली हो गया। ओह वाओ डैड, मैं पूरे स्पेन में इसमें घूम सकता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। एक्चुअली डिग्री पाते ही मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था, पर तब ये मॉडल अवेलेबल नहीं थी। एंजॉय मैन। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पापा ओकेशन का इंतजार करते हैं। मेरे पापा तो हर ओकेशन में मुझसे छुपकर भाग जाते हैं। चुप। मामो, फर्स्ट राइड पर किसे लेकर जाओगे? इसमें पूछना क्या है? एज यूजुअल मम्मी। स्पोर्ट्स कार की स्पीड मम्मी को पसंद नहीं आएगी। तो फिर भाभी को लेकर जाओगे? उन्हें तो कार ही पसंद नहीं। तो क्या प्रिया को ले जाओगे? वो मुझे पसंद नहीं। तो फिर खुद ही बताना। अरे अब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो किसे साथ में लेकर जाना चाहिए, जरा सोचो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक पागल डॉगी है। अबे मीरा है। समझ गया। लेकिन घर में किसी को पता चल गया ना तो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला हो जाएगा। जंग लड़ना इजी है पर लेडीज को हैंडल करना उतना डिफिकल्ट। उनका ईगो न्यूक्लियर बम जितना पावरफुल होता है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन सलूशन क्या? सारी चिट्स पर सिर्फ मीरा का ही नाम लिखेंगे। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे मारेंगे क्या? मम्मी, कार में पहले किसी लेडी को बैठना चाहिए ना। हाँ? लेकिन किसी एक को बिठाओ तो दूसरे को बुरा लग सकता है। अब टू सीटर कार में एक साथ कितने जन बैठेंगे? हाँ? इसलिए हमने सबके नाम की चिट्स बना ली हैं। किसी को बुरा फील नहीं। अच्छा। हुआ। हे गिब्स। अरे गिब्स कहाँ है तू? गिब्स? वो वहाँ खेल रहा है, ये तुम्हारे लिए। ओ, अच्छा उसने कर दिया। मम्मी, हाँ? अपने लकी हैंड से एक चिट तो निकालिए। मैं क्यों बेटा, किसी और से निकलवाओ ना। अगर आप निकालेंगे तो आपका इनाम आएगा ना। ठीक है। आपका इनाम है ना? आपका इनाम आया होगा, मैं जानता था आपका इनाम आएगा। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों देख रही हैं? आपका नाम नहीं आया है? सॉरी मम्मी, तो किसका नाम आया है? आपका इनाम है। ऐसे क्यों शॉक हो गए बेटा? नहीं आएगा सोचा था? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नाम ही आएगा यही सोचा था, लकीली वही आ गया इसलिए शॉक हो गया था। मम्मी ये सब हंस रहे लेकिन सभी उदास है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सभी ने सोचा होगा कि उनका नाम आएगा। हाँ? इसलिए उदास हैं। करेक्ट। तो अब क्या करें हम? बेस्ट ऑफ थ्री करते हैं। वन मिनट। फिर से आपका नाम। ये रोना था या हंसी? हंसी थी मम्मी, फिर से आपका नाम आया इसलिए हंसी आ गई। कुछ भी कहो, गिब्स मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए सारे चिट्स पे मेरा ही नाम लिखा है। वो तो बेवकूफ है, उसे आइडिया मैंने ही दिया था। मम्मी मैंने भी दिया है। ये बात है, आई एम सॉरी बेटा। वो क्यों? मैं नहीं जा पाऊँ, स्पीड से मुझे डर लगता है, ऊपर से स्पोर्ट्स कार। नहीं सुना हुआ लगता है। तो ऐसा करो, दीदी को साथ लेकर जाओ। मुझे कार बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया को लेकर जाओ। मैं कार में नहीं बैठने वाली। तुमसे कुछ कह रही है। ठीक है, मीरा को लेकर जाओ। जय, वन सेकेंड। फर्स्ट ड्राइव पर मम्मी को बिठा कर लेके जाने का तुम्हारा इंटेंशन अच्छा लगा। तुमने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी को हर्ट ना हो। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू। बाय। सॉरी मम्मी, मैं आपको बताना चाहता था पर मीरा मेरे बारे में क्या सोचती है पता नहीं। एक बात कहूँ बेटा, तुम तो सबको पसंद हो, बिना लेट किए उसे बता दो। थैंक्स। क्या देख रहे थे? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम जो देख रहे थे मैंने देखा। अरे मैंने कुछ नहीं देखा बोला ना। तुमने देखा मान लो। वो मतलब टावर देख रहा था तब आपका बैग बीच में आ गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। कीर्ति शानू, कीर्ति शानू, कीर्ति शानू, शानू क्या है? शानू शानू करके क्यों चिल्ला रहे हो? ले चलो शानू। क्या हुआ, कहाँ चले जाते हो? जो मन में आया करवाते हो, चुपचाप नहीं रह सकते क्या? मेरा मन जहाँ करे वहाँ नहीं जा सकता शानू। नहीं जा सकते तो मर जाओ, मुझे क्यों मार रहे हो? रात भर जगाते हो, दिमाग कटाई करते हो, ऊपर से जब देखो तब। शानू शानू,
इनके बारे में क्या जानते हो जो ऐसा बोल रहे हो इडियट। कीर्ति शानू, कीर्ति शानू, क्या है शानू? तुम कीर्ति से बहुत प्यार करते हो ना? ये सारी चीजें तो उल्लू की तरह ऑब्जर्व करते हो। एज पर माय ऑब्जर्वेशन कीर्ति भी तुमसे प्यार करती है। तो फिर क्यों मार के गई? थप्पड़ में उसका प्यार ही तो था। सच में? डैडी बीट्स यू बिकॉज ही लव्स यू। एक लड़की अपने प्यार का इजहार इससे अच्छा और कैसे कर सकती है? मेरी इज्जत करके और तुम्हारे बर्ताव पर रिएक्ट करके और सोसाइटी का लिहाज करते हुए तुम्हें थप्पड़ मारकर उसने समझाया है शानू। जब कोई किसी को अच्छा लगता है तो उस पर अधिकार भी हो जाता है शानू। एक खूबसूरत बुके ले जाकर उससे कहो, मुझे डांटो सुन लूंगा, मुझे मारो सह लूंगा, पर नफरत मत करो नहीं सह पाऊंगा। पोलाइटली बात करना, हाई टोन में मत बोलना, इरिटेट हो जाएगी, लो में भी मत बोलना, कंफ्यूज हो जाएगी। मैं जिस तरह बातें करता हूँ उसी तरह जाकर बोलना, काम बन जाएगा। कीर्ति, मुझे डांटो सुन लूंगा, मारो सह लूंगा, नफरत मत करना मर जाऊंगा। लव यू कीर्ति, आई लव यू, आई लव यू टू। थैंक यू कीर्ति। थैंक यू सो मच भैया। शानू, हाँ भैया, मुझे कभी उंगली मत दिखाना। वो क्यों? वापस मैं नहीं दिखा सकता ना। सॉरी भैया। शानू जी, मैं उस टावर को देखना चाहता हूँ। थैंक यू शानू। इस टावर को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है भैया? तुम्हारे साथ वहाँ बैठकर वोडका पीने का मन कर रहा है शानू। मम्मी डैडी आएंगे तो कहना कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अरे क्या हुआ? ये कैसे हुआ डैडी? कुछ खास नहीं, ऑफिस में स्लिप हो गया। लक्ष्मी जरा अंदर आओ। मम्मी डैडी को क्या हुआ प्लीज आप तो बताइए। जब वो ऑफिस से लौट रहे थे कुछ गुंडों ने उन पर अटैक किया और चेन छीन ली। वो चेन उनके लिए कितनी वैल्यूएबल है तुम तो जानते हो। तुम जानती हो उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। जय मीरा, बेटी मीरा, प्लीज मैन, प्लीज लीव मी, टेक योर थिंग्स। आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक तो बेटी, इट्स ओके आंटी। They are very dangerous people. इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? वो भी बिना मतलब के? मतलब है पापा। वो चेन माँ की निशानी है। माँ की निशानी वो चेन नहीं है, तुम हो। मीरा, जय जब 12 साल का था, उसकी माँ अचानक गुजर गई। उन्होंने हमारी शादी करवाई थी। जय मुझे अपनी माँ जैसा मानता है। उसके जैसा बेटा हर एक को मिले, बहुत अच्छा है। वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके गुस्से को तुम गलत मत समझना। जय। हाँ माँ। तुम मीरा को सॉरी बोलो। I'm sorry, मीरा। I'm really very sorry. मैं सोच रही थी कि तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो। अब समझ में आया। I am totally impressed. पहले इंप्रेस बोली, बाद में वेरी मच इंप्रेस बोली, और अब टोटली इंप्रेस बोली। कांग्रेट्स यार। मेरी यहाँ आने की वजह एंडी है। हम दोनों सेकंड स्टैंडर्ड से क्लासमेट्स और फिर हॉस्टल मेट्स थे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, रियली क्लोज टू माय हार्ट। मैं अपनी हर बात पहले एंडी से शेयर करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। ओह आई एम सॉरी। कल उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। एंडी, आई मिस यू सो बैडली। तुम्हें और तुम्हारी यादों को कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं अपनी हर बात पहले भी तुमसे ही शेयर करती थी, अब भी करूंगी। आई एम इन लव। इज अ वेरी नाइस गाय। ही लव्स हिज फैमिली सो मच। फैमिली तो उसकी जान है, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मम्मी,
मीरा भी मुझे पसंद करती है। कॉन्ग्रेट्स बेटा, मैंने कहा था ना वो तुम्हें पसंद करेगी। आप भी ना। मम्मी मैं आपको फोन करता हूँ। ओके ठीक है बेटा।